नमस्कार दोस्तों, ये एक कामिनी बोनसाई ट्री है और इसका तो वायरिंग मैं दिखा दिया, इससे पहले का वीडियो जो था उसका वायरिंग दिखा दिया था और आज मैं इसका रिपोर्टिंग करूँगा। तो इससे पहले का वीडियो तो आप लोग देखे होंगे कितना अच्छा बनाया था हम इसका वायरिंग वाला वीडियो। ये कैसा ग्रो हुआ है, कैसा जर निकला है वो आपको आज मैं दिखाऊंगा। चलिए अब इसका ये वाला पॉट से निकल के दूसरा पॉट में हम शिफ्ट करूंगा और देख लीजिए इतना कितना इसका जर निकला है। अब पूरा वीडियो देखिएगा इसमें कितना जर निकला है, आपको मालूम हो जाएगा। बहुत दिनों से इसका रिपोर्ट नहीं किया है और आज मैं इसका रिपोर्ट कर रहा हूँ और रिपोर्ट कैसे किया जाए वो भी आपको दिखाऊंगा। आप लोग देख पा रहे हैं बोनसाई को निकल लिया हम गमले से और अच्छी तरह से इसका जो मिट्टी है सब निकल लेना चाहिए और ऐसे ही निकलना चाहिए जैसे कि कोई जार टूट ना जाए, आराम से निकाल लेना चाहिए। अगर जार टूट गया तो ये वाला पौधा ढक जाएगा, ग्रो होने से टाइम लगेगा, इसीलिए आराम से निकालना होगा मिट्टी को। और रिपोर्ट करने के बाद 3 या 4 दिन सेट के ऊपर रखना चाहिए जहाँ 50% सनलाइट मिलता है, उसके बाद फिर फुल सनलाइट में रखिए। इसका ग्रो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। अब रेनी का सीज़न आ गया, इसका रिपोर्टिंग ज़रूरी हो गया और जो सॉयल हम डालने जा रहा है वो करीब 6 महीने पहले हम बना के रखते हैं, तब भी हम उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो मटेरियल्स डाला जाता है 6 महीने के पहले अगर बना के रखते हैं तो उसमें जितना मटेरियल्स है सब एब्जॉर्ब हो जाता है और उस मिट्टी में बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाता है। इसीलिए हम करीब 6 महीने पहले मिट्टी बना के रखते हैं। ये थोड़ा सा भीग गया है, बारिश हुआ था इसीलिए थोड़ा सा भीग गया है, ये भी चलेगा। अब ये जो पॉट देख रहा है हम खुद ही ने बनाया, अब चाहे ये पॉट बनाने का वीडियो देख सकते हैं, हम दे दिया है बहुत सारे पॉट बनाने का, कैसे पॉट बनाया जाता है वो सब कुछ तरीका उस वीडियो में हम अपनाया है। आप घर में बनाइए ये वाला पॉट और मेरे इंडिया में बोनसाई पॉट बहुत ही कम मिलता है, इसीलिए घर में बनाना पड़ता है। अब देख लीजिए कौन सा सॉइल डाल रहे हैं हम, ये बोनसाई सॉइल ही डाल रहे हैं। दोस्तों अगर ये वाला वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।